रोड में छू, चुप चुप रोड में छुपाओ। ये देखियो सनी, आवाज सुनना है। मैं डरछु त मार, भगा ना भगा ना भगा ना भगा ना भगा ना, रुक तीन चार बार घुराया था वो, तो समथिंग डेढ़ घंटे का टाइम, और लेपर्ड घात लगा के बैठा था, पर जो भी है वो मारने के मूड में था, फिर भी नहीं डर रहा था। पांच बंदे उसके ऊपर पत्थर मार रहे हैं, फिर भी नहीं डर रहा। मौत को इतनी करीब से, शायद से पहली बात है, मैंने लेपर्ड बहुत करीब से देखा है, बट हो सकता है कि अपनी लास्ट कैंपिंग वीडियो। तो गैस हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो अभी तो हम तीन लोग आ गए यहाँ पे, तो आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ। तो यह है बिनशर, नाम सुना होगा, अल्मोड़ा के अंदर आता है, सेंचुरी एरिया है पूरा। तो आपको व्यू दिखाता हूँ, तो हमने पूरे उसमें देखा, चारों तरफ आग लगी हुई है, तो यहाँ पे हम टेंट लगा लेंगे। तो ये हो गए अपने अमित भाई, ये तो आते रहते हैं हमारे कैंपिंग में, आप लोग जानते ही हो गए। तो ये गैस कैन, तो यहाँ पे पहले किसी ने कैंपिंग की हुई है, तो ये है पूरा जंगल जला हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादातर जंगली जानवरों का खतरा रहेगा, क्योंकि ये है पूरा सेंचुरी एरिया। तो बस हम पानी भरने के लिए आए हैं, गेराड़ मंदिर 2 किलोमीटर आगे, जंगल से वापस आए, पानी नहीं मिला हमें। तो यह है गेराड़ मंदिर, रात का टाइम है, तो रात में ऐसा दिखता है गेराड़ गुलजू का मंदिर। ना रखे जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये बना रखे हैं भैंसें, और यार ऐसा लगता है रात में गुलजू का मंदिर। तो यह है गुलजू का, जहाँ मूर्ति रखती है, यहाँ पे केयर टेकर अंदर रहते हैं, यहाँ अंदर रहते हैं जो केयर टेकर है नाइट में देखने के लिए। पानी आ गया अपना, आग जल रही है, तो यहाँ लगाया टेंट, एक गाड़ी साइड लगाई है, पीछे लगा देंगे सोते वक्त। तो अब अपनी चाय बनाते हैं, और पूरा जंगल है वैसे, वहाँ दूर लाइट दिख रही, तो कैंपिंग का मजा लेते हैं। तो गैस चाय बना लेते पहले, देखो देखो कैसे जमा चाय कैसी हो रही है भाई, इससे पूछ रहा है। तो गैस ये बन गई अपनी मैगी, तो हम प्लेट लाना भूल गए थे, तो थाली में ये ऐसी यूज़ करो, चम्मच भी भूल गए हैं। पहले आटा गूंद लेता हूँ। तो गैस तेल डाल दिया है इसमें, तेल डाल दिया है, और घर से पेस्ट बना के लाए हैं प्याज और उसका, तो ये चौन प्रकाश के डब्बे में बना के लाए हैं मिक्सी में, तो इससे पहले कॉल लेंगे इसमें।
अब तो इसे तब तक पकने देते हैं जब तक ये ऑयल अलग ना हो जाए इससे। तो गाइस मसाले डाल दिए इसमें जो जो अपने टेस्ट के हिसाब से सही लगे, और पनीर मसाला। तो इसे पकने देंगे, उसके बाद इसमें पनीर डाल देंगे। तो गाइस बाहर बाहर पे आ गया लपेट भड़कड़ का, जो भड़कड़ वो क्लोज था यार। वो बेटा मिल तुम स्पीकर में बज रहे हो, मिल छ मिल छ यो सी तू कम बाग देखो रियल में बाग कसम बेटा वो डां डां कर जी स्पीकर में बज रहे हो। ठीक है आप मैं तुझे कुछ वीडियो बोलने आवाज कर रहा हूं, तू हां गलत करी आवाज। अरे तो मैंने सोचा भाई तुम, मैं सच में स्पीकर में बजा रहे हो सोचा यार। बेटा देखिए ना ना कैमरा ऑन रखो भाई, कैमरा ऑन रखो ना। हम पास मुझे लाइट जल रहा है, लाइट तो जल रहा है। अब यार आग नहीं तेज करन जी भाई, हम गलती कर दे यार। मैं तुमको हकने बैठे को आग जलाओ तुम ना। अब क्लोज छु भाई, इतनी छु अगले बचो जा, हम अगला लगा लेनो। अच्छा एकदम बैठ जन जा भाई, अब उलट उसको टेंट वा छु, टेंट जो है बड़कट पकड़े हाथ में भाई काम। भागो ले भागो ना ना क्लोज छु भाई, रुको ना हूं भागो ना मैं लग रहा हूं मैं फिले जा। अब तुमका रात में नींद नहीं आल भाई, 10 बज गई भाई। और ये तो कोनी आवाज जो बचे आ रहे, चलो बैठ चलो। यो ये का मजाक लगने है ओ मां कसम बेटा, इतने कुछ इतने कुछ इतने कुछ ये जो तलवे में टॉर्चर मार रहा हूं मां कसम दोबारा। हां मेरे को आगो बेटा दौड़ दे ना, एक बार फिर गुजरा ले। हम नहीं गुजरा, रुक जा रुक, मैं अचानक में कैप्चर कर लूं। ना ना मैं कैमरा ऑन रखूं भाई, ये देख आवाज नहीं छोड़ मैं। टेंट पे टेंट पे बाहर जाके एक बार हल्का तली कर भी हो तसी। ये साइड हुई मालूम, साइड ले दे टॉर्च दियो। ना ना अभी टिशू बेटा बेटा हम इसका पान लेने को गए यार। अच्छा मैं अगले बैठी हूं, मैं अगले बैठा छी। हेलो हां ओ बेटा ये बागल जस करे ली मां ते तलवे छुरे बागल जस करे यार गबरू गाना कर जो आ मिल तुमको तबे स्पीकर नहीं बजाओ खाली मजाक को नो ये भाग दे। अरे मिल भाई मिल समझियो स्पीकर में बजू नहीं यार, ये क्यों नो ले मैं तुमको भाग दिखूं को नो। हां यार टॉर्च तो मारो आगे, ये रोड किनारे टेंट लग रो करी मां कसम बेटा, इधर नजदीक बहने भागचा जो भीतर भाई वो बाद जब ये हाक करी फिर शांत रहो बेटा, वो न तो पनीर पनीर भी आ रहे छो मैं डर रहे छो डर बने क्या है मां कसम रे गौरू हाथ रो गौरू रा न को अबे गौरू पनीर का वो तू पनीर बना गौरू जो फट रहे ना मां कसम। यो माँ कसम रे बेटा रोड में छु, चुप चुप रोड में छुपाओ। ये देखियो सनी आवाज सुनना है बड़ा सुनना होगा शरीर। अरे इतनी छुए जस्ट इतनी आगो इतनी मलियो रोड में आगो, अब रात भर नहीं जालू। तो गाइस लेपर टेंट के पास से आ गया, नहीं अब रविले लिवे नहीं आ लेटा कार ओबा कार का छो कह दो जुगाड़ कर बेले लिवे नहीं आल भाई, अब यहां हम निकल नहीं सकना, अब फंस गया हम। बेटा मैं कोई हूं भाग रहूं भाई, अभी देख के बाइक आई नहीं थी भो भो कर गए। अबे भैर निकलू कसी के यार, थोड़ी बाइक को चलो को दिनन तो अब आपको बेटा। तो गाइस लेपर्ड लेपर्ड बाहर ही है, तीन चक्कर उसने पहले जस्ट टेंट के नीचे था, फिर टेंट के सामने आया, अब टेंट के ऊपर चले गया। तो हमने एक साथ वाले को बुलाया तो जू तू लगो अब है
अब वो कस का नो पे देखो जस्ट मोबाइल पे छुए लो तुम एक काम करो तुम कहीं और दो सामान वान पैक करो निकल लोगे और हल्ला का गुरु कहां गो जी का गुरु टाइम पे डाल दो आवाज निकल भी चुप जानो बड़े निकल लो ये रोन नहीं जाओ रोन नहीं जालो भाई तुम तावा आला पहले भले करना आ जस्ट बट में मां कसम की बट में बट में हंसो कहां रोड साइड मतलब भाई आवाज में पहले इति आयो पहले इति आ देख पहले इति आए तली फिर इति आ जस्ट इति मली रोए मली हो हेलो हेलो भाई और देख गाड़ बंद कर दे अरे देख चुप अरे पहले इति आ मैं टॉर्च मारू पे फिर बैठ इति या गुरानो जी थियो इति गुरानो जी ती ती जस्ट हो अबे इति जा रे वैन से का यार लग रहा है कि मतलब अब घंटा देखो इसी जगह में बैठ के वेट कर में हो ए भाई ये बात पनीर के बर्थडे में तुमको बात देखो गुनो इस जब से हम साल कर रहे हैं अरे जल्दी आ बाबू ये जो ये मिले अरे अरे पहले यहाँ इतिहा आयो फिर मलू चढ़ो हो अरे भाई अबे फिर पहले इति आनो इति आ देखो इति पे फिर सिद्ध इति मलियो आयो ये कल कैमरा बंद इति आ फिर बता या बा आयो इति बन खबर इति आ फिर निकालो वीडियो निकालो वीडियो बनाओ ये बात वो दिखा दे टॉर्च मार देखो फुटेज इतनी अच्छी आई नहीं है बट फिर भी लेपर्ड का सर दिख रहा है ऊपर से लेपर्ड हमें देखा हुआ है और हम लेपर्ड को देख रहे हैं और पांच लड़के नीचे खड़े हैं फिर भी लेपर्ड डर नहीं रहा देखो ऊपर सर दिख रहा है वीडियो को गौर से देखना अभी लेपर्ड पीछे को हट जाएगा अभी अंधेरा हो तो लेपर्ड की आंखें ऐसे चमकती हैं देखो ब्लैक अंधेरा है और फिर भी
स्टार्टिंग मोड में छो, सामान तो पैक करो भाई, वो जानी है, वो जानी है बाघ जी, बाघ का वैसे हम बाघ को ढूंढते जा रहे हैं कि क्या पता दोबारा दिख जाए, तो हर जगह पर रोक के हम बाघ चेक कर रहे हैं। सर सेंचुरी ऊपर को जाती है, ऊपर को जाता है यहाँ से रास्ता, तो ये सेंचुरी के पूरे एरिया है, तो साथ वाले का घर इससे आगे बढ़ता है। तो हम यहाँ पे स्टे करेंगे, आ गए दौर कैंपिंग से। ना ना मेरी गेट की जगह गेट आज हम बोल जस्ट कर दे रहे बागले हो। अरे मां कैसा खतरा बाड़ियों पिच गया हमें जो रवि आ के ढिनू ओ ये पड़ो सिल्पिन बैठे थे मैं योर कैंपिंग में टेंट है बहुत बेकार फील हो रहा है। दूर पड़ कोई ये तो करीब मुझे आ रहे क्या दूर दोगे। तो गैस सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हमें टेंट छोड़ के भाग के आना पड़ा ट्रैकिंग वैकिंग करके, तो हमने रवि भाई को बुलाया वहाँ से, तो UK01 बाइकर नाम से है भाई का चैनल, तो भाई का घर 3-4 किलोमीटर के आसपास में ही पड़ता है उसके,
तो भाई आया, बट लेपर्ड ऐसा था कि मतलब वो हट ही नहीं रहा था, मतलब इतना लेपर्ड मतलब घात लगा के बैठा हुआ था। तो आप लोगों ने फुटेज देखी होगी, समथिंग 60-90 मिनट तक उसने हमारे चक्कर लगाए थे, आसपास ही घूम रहा था। तो हम टेंट से बाहर नहीं निकले, तो फिर वो साथ वाले आए वहाँ से, तो हम सब लोग हम बाहर निकले। उसके बाद हमने पैकिंग की और फिर साथ वाले ने बोला कि देखते हैं कि है, तो फिर हम देखने के लिए गए उसे। तो वहाँ पे हमें जब दिखा वो लेपर्ड, तो मैंने कैमरे में कैप्चर किया है, बट हो सकता है कि उतनी खास फुटेज नहीं आई हो क्योंकि मैंने अभी भी चेक नहीं किया वो फुटेज। तो वो फुटेज अभी आपको अच्छे से चेक करूँगा, एडिट करूँगा, फिर दिखाऊँगा। बट सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब मैं भी बहुत घबरा गया था। आप लोग बोलते हो कि कैंपिंग, तो हो सकता है ये मेरी लास्ट कैंपिंग वीडियो हो, बट फिर भी बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैं अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकता, मैं इतना डर गया था। तो साथ में बच्चे थे, तो बाहर निकलने में भी थोड़ा डर लग रहा था कि हो सकता है कि चपट जाए, बट वो भी डरा नहीं क्योंकि हम पांच, तीन लोग पहले से थे कैंपिंग में, उसके बाद दो लोग फिर आए। तो फिर भी लेपर्ड घात लगा के बैठा था, तो समझ सकते हो कि कितना खतरनाक रहा होगा वो पल। बट बहुत ज़्यादा घबरा गया था, मेरी आंखें भी लाल पड़ गई डर से। ऐसा था कि हम टेंट से बाहर निकले ही नहीं, अगर हम निकल जाते तो शायद वो किसी पर अटैक भी कर सकता था, क्योंकि हट ही नहीं रह रहा था यार वो। मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, तो मेरी आवाज़ भी शायद क्लियर नहीं आ रही होगी और आवाज़ भी साफ नहीं निकल रही होगी। बहुत गंदा, मतलब बता नहीं सकता, पूरी हार्ट बीट अप बहुत ज़्यादा, मतलब बॉडी। तो उसके बाद जब साथ वाले आए तो थोड़ा हिम्मत मिल गई, फिर बाहर आए, फिर जाके देखा, बट बहुत गंदा था। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, प्लीज़ ऐसे जंगल में कैंपिंग करने ना जाएं, क्योंकि हम तो लोकल के रहने वाले हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो बाहर का कोई बंदा आता है तो कितना गंदा होता होगा, क्योंकि मैं हरियाणा के कुछ दो लड़के आए थे एक टाइम पे, उन्होंने मेरे साथ कैंपिंग की थी, मेरे साथ नहीं मतलब मेरे साम मतलब बोले थे मुझे कैंपिंग करने के लिए। तो मैंने कहा था कि वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे लगा लो। तो रात को दो लोग, टू सीटर टेंट था, बहुत गंदा होता है, बहुत छोटा टेंट होता है, उस पर आए रहे। तो सोच सकते हो कि अगर उन्हें लेपर्ड अटैक करता तो कितना गंदा रहता है। बट ये चीज़ है, जिस चीज़ जिस जंगल का अनुभव ना हो तो उस जंगल में कभी भी कैंपिंग करने ना जाए, हमें तो पता होने के बाद भी। बट जिस हिसाब से लेपर्ड ने किया था मैं बता नहीं सकता है। बट जो भी है, जी जंगल का एक्सपीरियंस ना हो, जंगल में कभी भी कैंपिंग करने ना जाए। और बाहर के लोग ज़्यादातर आते हैं कि कैंपिंग ब्लॉक्स बना लेते हैं, जंगल अच्छा है, कैंप कर लेते हैं। बट हो सकता है, अगर तुम्हारे पास कार है तो बेस्ट है, क्योंकि तुम कार के अंदर बैठ सकते हो। हमारे पास टेंट था, अगर हम सोते और कोई आता नहीं, अगर रवि नहीं आता तो हो सकता था किसी एक पे अटैक करता हो, नॉर्मल था, बचने के चांसेस भी नहीं थे। और घबराए हुए थे लड़के, भी घबराए हुए थे, मैं भी घबराया हुआ था। तो डर तो होता ही है, बट फिर भी बच्चे थे मेरे साथ में, तो एक सा अमित है थोड़ा, उसमें हिम्मत थी। बाहर निकलने के लिए तो मना कर दिया कि हो सकता है कि लेपर्ड अटैक कर ले, बट जो भी है बहुत गंदा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि कैंपिंग सब बहुत मेहनत लगती है, कैंपिंग वीडियोस बनाने में, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेके बनाते हैं हम लोग। तो जो भी है, आप लोग नए होंगे इस चैनल पे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतनी मेहनत के बाद भी अगर मेहनत रंग नहीं लाई तो कोई फ़ायदा नहीं। पर जो भी है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे भी कैंपिंग करेंगे, बट बहुत घबराया हूँ। तो कुछ टाइम हो सकता है मैं कैंपिंग ब्लॉग्स ना बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गया था। तो हो सकता है, बट एक चीज़ है कि इससे लेपर्ड का डर जो होता है वो ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो आगे भी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो सोते हैं अब, सुबह में सुबह उठना है, फिर घर को जाना है। तो वो अभी ये बात घर वालों को पता लगेगी तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। जानता हूँ कि कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, हो सकता है अगली बार से कैंपिंग में ना जाने दें, बट जो भी है आप लोगों के सामने है। बस थैंक यू, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे भी ब्लॉगिंग करेंगे। हो सकता है कैंपिंग ब्लॉग ना करें, बट डेली ब्लॉग्स कर सकते हैं।
अगर साथ वाले रहे तो बैकअप रहा तो कैंपिंग में भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो भी है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, बट लड़के अपने बहुत डरे हुए हैं। ये है अपने लड़के, ये तो हंस रहा अभी, उस समय तो फट के हाथ में आई थी इसकी। आएगा नेक्स्ट टाइम से आएगा कैंपिंग में। तो लड़के साथ वालों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, तो वहाँ पे भी साथ वालों से ही बात कर रहे थे, तो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा था कि हाँ टेंट के अंदर हल्ला भी हो रहा था। तो हम बात कर रहे थे तो लेपर्ड अगर चिल्ला रहे थे तो लेपर्ड डर भी रहा था लेपर्ड, बट जो भी है बच गए। जो भी है वो मारने के मूड में था। डेढ़ घंटे तक उसने समथिंग सात वालों को हमने 15 या 20 मिनट के बाद फ़ोन किया था, तो मैं ऐसी मजाक किया था कि मैंने कहा देखो लेपर्ड आ गया, लेपर्ड देखोगे तो घबराया। तो मैं सात वालों से बोला अरे स्पीकर तो बंद कर लो, तो वो अंदर भाग गए। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले गाने बज रहे स्पीकर में। तो अंदर फिर गए हम टेंट पे, तो मैंने कहा कुल्हाड़ी कहाँ है सेफ्टी के लिए, तो कुल्हाड़ी देखी, तो कुल्हाड़ी वहाँ से हमने उठाई और अंदर गए, चैन लगा दी टेंट की। तो मैंने कहा लड़कों से बाहर मत निकलना, बहुत रे होगा। तो फिर हमने 10-15 मिनट सोचा, सबसे बात बात की है, तो हम भी लेपर्ड है, तो 3-4 बार घुराया था, वो सीन भी मैं डालूँगा वीडियो में। तो उसके बाद फिर हमने रवि को फ़ोन किया, तो समथिंग 1.5 घंटे का टाइम, और लेपर्ड घात लगा के बैठा था। अगर वीडियोस में दिख रहा होगा लेपर्ड, तो देखना कितना घात लगा के बैठा है वो फिर भी नहीं डर रहा था। 5 बंदे उसके ऊपर पत्थर मार रहे हैं फिर भी नहीं डर रहा है, तो समझ सकते हो कि कैसा होगा। अगर वो पूरी रात रुकते हम वहाँ पर, तो शायद हम में से कोई एक नहीं बचता। जो भी है बहुत गंदा था, डर तो था, बड़ा फंसी आ रही है कि हाँ ऐसा हमारे साथ हुआ था, बट ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भी हमारे साथ हुआ था। मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा कि हमारे साथ हुआ ऐसा। कुछ लोग बोलते हैं कि फेक वीडियो बनाते हैं, तो भाई इससे पहले भी हो चुका है हमारे साथ, बट इतना गंदा नहीं हुआ कि लेपर्ड आया गुर्राया और चल दिया, ऐसा हुआ है। बट ऐसा नहीं हुआ कि पिछली ब्लॉग में भी देखा होगा, एक बार वहाँ पे गुर्राया था, तो वो वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा। 2-3 ब्लॉग्स हैं ऐसे मेरे, तो लोग बोलते थे फर्जी ब्लॉग्स हैं, तो ऐसी हिम्मत नहीं आती थी कि लेपर्ड देखने जाएं कि लेपर्ड को। तो रवि आया साथ में, तो हिम्मत बढ़ गई, तो हमने कहा चलो देख के आते हैं। तो वो भी मैं बोल रहा था कि मजाक कर रहे हैं ये लोग, खाली बस हमें बुला दिया। तो फिर हम लोग आगे, तो रवि लोग आगे गया था, टॉर्च था मेरा फोकस वाला, उतना खास फोकस नहीं था, फोकस था तो टॉर्च मारा रवि ने, तो दिखा भाग दिख किया, तो ये तो फुटेज हमने निकाली थी वहाँ से। तो मैं तो अभी भी बहुत डरा हुआ, बट लग नहीं रहा, बट ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मजाक होता है, किसी ने मजाक कर दिया हमारे साथ। मैंने भी वो फुटेज अभी अच्छे से नहीं देखी है, बट देखूंगा जब एडिट करूंगा, तो दिखाने की कोशिश करूंगा। बट कैमरा भी फोकस होता अच्छा नहीं था, तो डरे हुए थे, तो जूम भी नहीं कर पाया मैं उसे, उतना फोकस भी नहीं कर पाया, दूर से दिखाऊंगा। बट हो सकता है फुटेज में पूरा आया हो, बट जो भी है बहुत गंदा था। कसम से रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो लोग आते हैं कैंपिंग करने के लिए बाहर से, हो सकता है कैंपिंग के इच्छुक हो तो कोई होटल ले आओ, पकड़ लो वहाँ पे कैंपिंग कर लो, वो बेस्ट है। बट ऐसे कि जंगल में कैंपिंग मत करना यार, बहुत गंदा रहता है। मौत को इतनी करीब से शायद से पहली बार थी, मैंने लेपर्ड बहुत करीब से देखा है, बट इतने करीब से अपने सामने जो खड़ा था और भाग नहीं रहा था, उसके ऊपर पत्थर मांगा मारने के बाद भी पीछे नहीं हट रहा था, बहुत गंदा, बता नहीं सकता यार। लेपर्ड नहीं था वो, ये जो होता है कि मतलब जैसे हम सोचते हैं कि लेपर्ड था, तेंदुआ था मुझे लग रहा था, बट हो सकता है नरभक्षी था, क्योंकि आदमी से देख के डर नहीं रहा था। क्योंकि लोग होता है कि जैसे फॉरेस्ट वाले तेंदुए को पकड़ते हैं, जो आदमी पे अटैक करते हैं, तो उन्हें ऐसी फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं। जैसे सेंचुरी विंसर एक बहुत बड़ी सेंचुरी एरिया है, अगर आए होगे तो अल्मोड़ा के कसार देवी से बसोली वाली रोड, बागेश्वर वाली जो रोड है उसमें पड़ता है विंसर सेंचुरी। वैसे दिन में जाओगे तो वहाँ पे दिन में भी दिख जाता है, अगर विंसर जाओगे तो हुआ तो और भी जानवर दिखता है। बट यहाँ पे होता है कि जैसे फॉरेस्ट वाले छोड़ देते हैं, जो लेपर्ड बाहर से पकड़ के लाते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि जंगल है यहाँ पे, लोगों पर उतना ज़्यादा वो नहीं होता।
अटैक करने के चांस कम थे, तो हम तो उसके घर पे गए थे। तो पहले वो नीचे से आया तो ऊपर गया तो बहुत गंदा था, मतलब तो उसने चक्कर लगाया हमारे टेंट के चारों तरफ, तो आग जली हुई थी इसकी वजह से उसने थोड़ा अटैक नहीं किया। बट जो भी था, अगर आग बुझती तो अटैक करता, हम अगर बाहर निकलते तो अटैक करता, क्योंकि जब लड़के बैकअप आया, हमारी बैकअप बुलाई थी तो आई, तब जाके हमें हिम्मत भी आई थी बाहर उसे देख, फिर भी हम उसे पत्थर मार रहे थे, डर नहीं रहा था। तो सोच सकते हो कितना गंदा हो रहा होगा, अगर जो नए लोग आते हैं कैंपिंग के लिए उनके लिए कितना गंदा होगा। हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हो, बट हम तो खाना वाना भी वहीं फेंका है, तो यहाँ पे मैगी कुछ बची हुई है, तो साथ वाले के होटल पे हैं तो कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा आपको, पूरी डिटेल दूंगा। बट फिलहाल साथ में जुड़े रहना, जो भी नए व्यूअर्स हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आगे भी कुछ नया करके दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।